रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं यहाँ पर ये मैंगो बुबा की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। इसको बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ड्रिंक्स बनकर रेडी होती है। तो बस आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 3 इन्ग्रीडियंट्स लेने हैं और सिर्फ 3 या 4 इन्ग्रीडियंट्स से ही हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने लिया यहाँ पर ये 1 आम। आपने सिर्फ 1 ही आम लेना है। इसका ये सारा पल्प निकाल कर मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करना है और टेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है आपने ये चीनी। चीनी लेकर आपने इसको अच्छे से पीस लेना है। आपने बहुत ही फाइन इसकी प्यूरी बना लेनी है ये इस तरह से। उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर इसमें कोई पल्स वगैरह हो तो आप इसको छान भी सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी बनी है। तब इसमें ऐड करेंगे हम ये टोपियो का स्टार्च। अच्छा, ये स्टार्च मैंने किस तरह से बनाया है वो भी देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए लिया मैंने यहाँ पर ये साबूदाना, जो कि हर घर में मौजूद होता है। हम इससे मुख्तलिफ तरह की डिशेस भी बनाते हैं। तो वह इसको मिक्सी में लेकर आपने अच्छे से इसका पीस कर पाउडर बना लेना है। तो हमारा ये टोपियो का स्टार्च जो है वो रेडी हो चुका है। तो बस अब आपने इसको इसमें मिक्स करना है। अच्छा, ये जो कितना मिक्स करना है ये भी आपने इसकी प्योरी की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अगर प्योरी कितनी पतली है या कितनी गाढ़ी है, वो उसके हिसाब से आपने इसमें ये ऐड करना है। तो बस ये ऐड करने के बाद अब इसको हम 2 मिनट के लिए हीट देंगे। हीट आप चाहें तो आप इसको माइक्रोवेव में भी रखकर 2 मिनट के लिए हीट दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसको चूल्हे पर करने वाली हूँ। तो मैंने गैस को ऑन करके पैन रख दिया है इसमें और इसको 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। अच्छा, पकाते टाइम आपने इसमें कोई भी तरह का घी तेल कुछ भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, तो आप वो ले लीजिएगा। तो भाई इसको हमने 2 मिनट पकाना है। तो पकाने के बाद ये ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा। तो बस अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसको एक बड़ी प्लेट में या किचन काउंटर पर इस तरह से आप इसको निकाल लें और इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो इसको हमने 5 मिनट तक अच्छे से ऐसे गूंदना है जैसे कि आटा गूंदते ना रोटी बनाने के लिए, बिल्कुल इस तरह से। और ज़रूरत हो तो थोड़ा सा आप ये स्टार्च और ले सकते हैं इसमें, बस ज़्यादा मत लीजिएगा वरना मैंगो का जो वो फ्लेवर है वो अपना फ्लेवर उसका ख़त्म हो जाएगा। मैंगो का फ्लेवर ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो देखिए 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है, ये बिल्कुल चिकना हो चुका है। तो बस इसका बस छोटा छोटा सा आपने पोर्शन लेना है इस तरह से और इसकी ये छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है आपने। ये देखिए ये बॉल्स भी बहुत आसानी से जल्दी से बन जाती हैं। आप चाहें तो आप ये काम अपने बच्चों से भी करा सकते हैं। बच्चे तो बहुत शौक से ये काम करेंगे क्योंकि आप उनके लिए इतनी बेहतरीन ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो बनाने जा रहे हैं। तो बस मिलती हूँ मैं आपसे ये बॉल्स बना लेने के बाद। तो देखिए मेरी यहाँ पर ये सारी बॉल्स जो है वो बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो बस अब थोड़ा सा इनका कुकिंग प्रोसेस और है तो वो भी कर लेते हैं। तो बस हमने चूल्हे पर ये ना पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी जब खूब अच्छे से तेज़ गर्म हो जाएगा तो ये सारी बॉल्स हम इसमें डाल देंगे। अब देखिए बॉल्स जो है ना वो सारी पानी में नीचे बैठी हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे पानी बॉयल होता जाएगा ये बॉल्स जो है ना ये देखिए इस तरह से ये ऊपर तैरती भी खुद ही आ जाएंगी। अभी हमने इसमें कोई भी चम्मच वगैरह नहीं लगाया और इसमें हमने अब ये 15 मिनट तक अच्छे से पका लेनी है। 15 मिनट के बाद आप इन बॉलों को, इन बुबा को इसमें से निकाल कर ठंडे पानी में अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। यानी कि एक बाउल में ये रख के ऊपर से ठंडा पानी डाल दीजिएगा, फिर उसको ठंडे पानी से भी निकाल कर एक बाउल में रख कर ऊपर से हल्की सी पिसी हुई या जैसे भी हो चीनी आप उसमें ऐड कर दीजिएगा और उसको एक साइड रख दीजिएगा। तो हमने ऐसा ही कर लिया है, हमारे बुबा रेडी हो चुके हैं। अब हमने लिया है दूसरा ये 1 आम और लिया है, इसको जार में डाला है और इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी और दूध, क्योंकि हम ये बनाने जा रहे हैं अब मैंगो शेक। वो तो आपको बनाना आता है ये, जी हाँ मुझे पता है आप बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो बस इसमें आइस क्यूब वगैरह डालकर आप इसका अच्छे से मैंगो शेक बना लीजिएगा। तो हमारा यहाँ मैंगो शेक भी बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए आइए के चलते हैं अब सर्विंग की तरफ। तो सर्व करने के लिए ये मैंगो बोबा जो हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको हम सबसे पहले नीचे एक लेयर लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए देखने में ना कितने अच्छे लग रहे हैं कि बस बहुत ही ज़्यादा देखने में ही इनको खाने का मन होता है और कोई ये पूछता है कि ये आपने कैसे बनाए हैं।
अब एक ग्लास में मैं ऐड करूँगी, यानी कि एक ग्लास में मैं इसको सर्व करूँगी मैंगो शेक के साथ, और ये जो दूसरा ग्लास है इसको मैं मिल्क शेक के साथ सर्व करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये मिल्क शेक बनाया है। तो आप इस तरह से इस मैंगो बुबा को आप मुख्तलिफ तरह की ड्रिंक्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ड्रिंक्स बनकर रेडी होती है। आप सर्व करते टाइम भी इसमें आइस क्यूब ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आइस क्यूब ऐड नहीं किए क्योंकि ये काफ़ी ठंडा है पहले से ही। अब इसको भी हमने सर्व भी इसी तरह से करना है, और आप ऊपर से ही इस गार्निश कर दीजिएगा। और हमारी ये दो ड्रिंक्स बनकर रेडी हो चुकी हैं समर स्पेशल में, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर करना तो बनता है, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाएँ। तो बस बने रहिए मेरे साथ इसी तरह की बहुत ही मज़े की इंटरेस्टिंग सी और आसान से आसान रेसिपीज़ के लिए। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है एक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।